हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आए बहुत अच्छे होंगे। हमारी तबीयत सही ना है, सुबह से तबीयत खराब है। झाड़ू पोछा कर लो, फिर मैं बाद में तबीयत खराब है, कुछ काम ही नहीं रहा बहुत ज़्यादा। फिर रोटी रोटी बन गई, हमारे पति हस्बैंड जी लेके आए, वो समोसे नहीं लग रही है भूख को, गर्मी लग रही है। कपड़ा उतार रहे, देखो पेट देखो, देखो 9 महीना चल रहा है, नौ महीना चल रहा पेट देखिए ना को। चलो मेरे ऐसी लग रही है सलमान खान जैसी, तेरे नाम बीच की मांग और ले कटोरा भी मांगे। पापा हैं ना उनकी ननसर यहीं पर, तो उनके मामा जी हैं ना, मामा जी के बेटे एक्सपायर हो गए रात को, उनको 9-10 बजे अटैक पड़ गया, तो उनकी डेथ हो गई। तो अभी ये वहीं से आई, वहीं लगा के आए। मैं जा रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं आई, मेरी तबीयत खुद ख़राब, इतनी परेशान है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो कैसे काम करा, सो गई, फिर सोने के बाद अभी ऐसी तबीयत है रही है, आँखें अजीब अजीब से है रही है ना, देखो जी ऐसे ही पड़े रहते हैं नंगे रंगे। आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो में, चाय ना लेट गया मैं, ऐसे ही है भैया। बोल दे बच्चों समोसे खवा लो, देखो ताव तह रही है, समोसे खा लो गाइस, खा लो समोसे, समोसे जैसे ही आ जाओगे पेट से करके बाहर आ जाओ, ऐसे देखो समोसे खाए खाए के मटका मटका सही है, मटका की जरूरत ना, पानी भर ले करो, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। वैसे हमारे घर फ्रीज ना है, तो ये हम तो नल है, हमारे घर नल है और समर तो लग रही है, तो हम ताज़ी पानी पीते हैं, शुद्ध पानी, ताज़ी पानी, कोई कोई फिल्टर नहीं, कोई फ्रीज नहीं। देखो नल लग रहा है, हेडपम्प पानी पियो, हेडपम्प से निकाल के। तो भाई हम खा ले समोसे, तभी तेरे कर आप भूख लग रही बहुत तेज, हाँ समोसे खा ले, भूख लग रही बहुत तेज, आप लोग भी खा लो समोसे, आ जाओ। ये चटनी क्या चाहिए तो मैं इनसे लेके आया, समोसे इनसे बने करी, वहाँ से मत लेके आओ, दूसरी दुकान पर ऐसे बढ़िया समोसे बनते हैं, उनके पास पहुँच गए जी समोसे। चलो गैस, अब मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते, आपको कितनी मेहनत कर करके कैसे कैसे वीडियो बना दी, फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखते, कैसी वीडियो बनाया करूँ, प्लीज़ मेरी मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो चक्कर में बीमार पड़ गई, अभी फिर दोबारा ले जाना पड़ा होगा, तभी तो खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, तभी तो खराब हो जाएगी, यानी कि जो मेन आदमी हुए घर में, तो बड़ी दिक्कत आ जाता है घर में, अब सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी आता है, खाने पीने थे, रोटी खाने थे, पता ना कहाँ है बीमारी, चैन पीछा ना छोड़े मेरा, तो सही बता रही हूँ। सुबह आई मम्मी, मैं पोछा लगा रही हूँ, कह रही चलेंगी वहाँ पे, मैं नहीं जाऊँगी जल्दी जल्दी, नहीं उधर जाएगा, मैंने खाना बना लूँ, खाना भैया खाना खाना ही चल रही है, वहीं तो खाना भी रोटी भी ना बनाई जा रही, मेरे पे तबीयत ऐसी है कि बिल्कुल जाऊँ, बहुत ज़्यादा इतनी परेशान है कि बहुत ज़्यादा, मैं नहीं जाऊँगी जल्दी जल्दी वो करके, साड़ी फाड़ी पहन लूँ, सूट पहनी तो मैंने ऐसे सूट पहन के, तो भैया अब मैं ऐसे जाती ना हूँ कहीं पे, वैसे घूमने घूमने दर्शन करने वैसे चली जाती हूँ, घर में पहन लेती हूँ सूट, अब ये नहीं है कि किसी के घर पे ऐसे चले जाओ सूट पहन के ले जाते ऐसे। तो ठीक है, ऐसे बहुत बुरा हुआ है, उनके बच्चे हैं, अम्मा बाबा आए, चलो वो तो बड़े बूढ़े, उन्हें वो चले जाते तो कोई बात नहीं, तो टेंशन होती है ना, बेचारे जवान जवान चले गए, बहुत दुख की बात है सही में, कुछ पता ना समय की, कौन सा समय कैसा आ जाए, इसलिए सबसे हंस के बोलो मस्त रहो, ज़िंदगी में टेंशन लेने की ज़रूरत ना है, दूसरे लोग को समय आता है, खुद इतनी टेंशन लेता है, कुछ कहीं ना जाए। तो गाइस ठीक है, मैं वीडियो का यहीं पर एंड कर दी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके बाय।